वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज भी हमारे शो पर होगी थोड़ी सी कुकिंग और थोड़ी सी गपशप। वैसे पहले लाइवली वीकेंड्स एक ऐसा शो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म माना जाता था फॉर ऑल दोज हु वर इंटरेस्टेड इन कुकिंग। यानी हमारे शो पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आए, यंग लड़के लड़कियां भी आए जो मुख्तलिफ कल्नरी इंस्टीट्यूट से कोर्सेज कर रहे हैं, या फिर हमारे शो पर एक ऐसे ख़वातीन भी आई हैं जो कुकिंग का शौक़ रखती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या ऑनलाइन घर से कोई बिजनेस कर रही हैं, या इसके अलावा जो है वो यूट्यूब चैनल चला रही हैं। लेकिन अब लाइव वीकेंड्स में हम आपकी मुलाकात कुछ और लोगों से भी करवाएंगे, और जो मेरे ख़्याल से बिज़नेस कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, चाहे उनका बिज़नेस छोटे स्केल पर हो या बड़े स्केल पर हो, तो अब उनसे भी एक ये जो है प्लेटफॉर्म बन गया है ये लाइवली वीकेंड्स। हम उनसे भी आपकी हमारे शो पर मुलाकात करवाएंगे, और ऐसी ही मुलाकात आज एक ऐसी हम एंटरप्रेन्योर कह लीजिए, छोटा मोटा जो बिज़नेस करते हैं उनसे करवाएंगे, जो ज्वेलरी का बिज़नेस कर रही हैं। तो स्टे ट्यून और मिस नहीं करना है हमारा आज का शो। सबसे पहले तो हम दावत देना चाहेंगे हमारी आज की जो कुकिंग एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कॉथम से तो कोर्सेज किए ही हैं, वैसे शी इज़ अ हाउसवाइफ, लेकिन मीडिया साइंस इन्होंने पढ़ा हुआ है। क्या वजह है कि कुकिंग की शौक़ रखती हैं और इसको परसू आगे कर रही हैं, या कौन सी फील्ड को करेंगी, आइए ज़रा इनसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। वेलकम करेंगे फातिमा को फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइवली वीकेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। फातिमा एक सेकंड के लिए भी शो से पहले बैठी नहीं थी, बस कभी इधर वॉक कर रही है, कभी इधर वॉक। हाँ, थोड़ा ऐसा मुझे वार्म अप हो रही थी। हाँ, थोड़ा वार्म अप अच्छा लगता है। हाँ तो जी फातिमा, ज़रा बताइए आपने मीडिया साइंस किया और कुकिंग का शौक़ कहाँ से आया? कुकिंग का शौक मुझे बहुत पहले से था, लाइक व्हेन आई वाज 12 आई गेस। अच्छा। तो मैं घर में कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि व्हाई नॉट गो टू एन इंस्टीट्यूट एंड डू समथिंग लाइक दैट। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ ही कोर्स किए हैं गौतम से, डिप्लोमा किया है। ठीक है। और बेकिंग कोर्सेज किए हैं। अच्छा। वैसे क्या पसंद है, बेकिंग कुकिंग, क्या कौन सी फील्ड में ज्यादा? मुझे डिजर्ट्स बनाना ज्यादा पसंद है। मीठे का शौक? मीठे का शौक खाने का नहीं है, बनाने का जरूर है। और खिलाने का होगा? और खिलाने का। आज कुछ मीठा सीख रहे हैं फातिमा से? आज तो नहीं। ये क्या बात बट नहीं कोई बात नहीं ना, अगली दफा के लिए कुछ रखना चाहिए। वैसे बेस्ट मीठा कौन सा बनाती हो फातिमा? बेस्ट मीठा क्या बनाती हूँ, अभी मैंने कल ही घर में चॉकलेट कॉबलर बनाया था। चॉकलेट कॉबलर? कॉबलर। अच्छा, ये मूस टाइप का होता है क्या? नहीं नहीं, बेक होता है ऊपर। अच्छा। एक क्रस्ट होती है ऊपर कॉबलर की और नीचे। वेरी नाइस। तो वैसे आप बिहाइंड द कैमरा, आप कह रही थी ज्यादा कंफर्टेबल हैं आपके काम, आपका फील थोड़ा कैमरा और इस तरह का, तो कर क्या रही है वो आजकल घर पे, किस तरह से वक्त घर पे? एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके स्टूडियो में थोड़ा काम करती हूँ। क्या काम? जैसे राइटर हूँ, कंटेंट राइटर हूँ, लिरिसिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ, तो बच्चों की राइम्स और ये ये चीज़ें लिखती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। वैसे अब जो है मैं यही बता रही थी कि हमारे शो का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है। Exactly. पहले हमने सिर्फ कुकिंग बेस्ड रखा हुआ था, लेकिन अब अगर कोई टैलेंट, कोई स्किल भी है आप लोगों में, या आप लोग कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम कुकिंग, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कुकिंग से रिलेटेड हो, तो Exactly. हमारा शो आपके लिए हाजिर है। तो आज क्या सीख रहे हैं हम फातिमा से? आज हम सीख रहे हैं नवाबी चिकन। ठीक है। और ग्रिल्ड ग्रीन प्रॉन्स। Okay. और कोरियन क्यूकम्बर सैलेड। मज़े, तीन रेसिपीज एक घंटे में, टफ है? आई थिंक आई कैन मैनेज। आ जाओ, चलो बिल्कुल चले चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत हम फातिमा किससे कर रहे हैं? हम बनाएंगे पहले नवाबी चिकन। ठीक है। अच्छा, पहले हम उसका मैरिनेट बना लेते हैं। हाँ, ये सही है। अच्छा, और मैं ये चिकन के पीसेस देख रही हूँ, ये फुल टिक्का कट हुआ हुआ है। बिल्कुल टिक्का कट हुआ हुआ है, और इसको हमने ऊपर से कट्स भी लगा दिए हैं ताकि मैरिनेट हमारा अच्छी तरह सही है। और मैरिनेशन में क्या क्या होगा? आपको स्पून वगैरह चाहिए? बिल्कुल। हाँ जी, बाय द वे आप लोग जितने देखने वाले हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सेट कैसा लग रहा है, नई लुक मसाला की कैसी लग रही है, और नया फॉर्मेट कैसा लग रहा है। ओके, सबसे पहले हमारे पास योगर्ट है, ये 1/4 कप योगर्ट है। ठीक है। We'll add that. Then we have garlic paste. ठीक है। Like 2 tablespoons heaped, I guess, would be enough.
मुझे ना केवड़े की खुशबू आ रही है बड़ी अच्छी। बिल्कुल, वो कहीं रखा हुआ है कहीं? ये रहा हमारी इसी रेसिपी के लिए है। अच्छा, एंड 1 टेबलस्पून हमारा आ जाएगा जिंजर पेस्ट। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये 4 पीसेस हैं। हाँ एग्जैक्टली, अराउंड 2 kgs। ठीक है, 1 टेबलस्पून हमारा ऑल स्पाइस गरम मसाला। ठीक है, 1 टेबलस्पून हमारा ब्लैक पेपर पाउडर, 1 का ही हमारा रेशियो है। ठीक है, टेबल स्पून ऑफ क्रश रेड चिलीज एंड 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली, थोड़ा स्पाइसी होगा। सही है, ओके, मिर्चों वाला। सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक है, मैं ज़रा आई बॉल करती हूँ थोड़ा रेसिपीज़। अच्छा? को हाँ। इतना मुझे एंड बिल्कुल स्लाइटली सा केवड़ा बिकॉज। अच्छा, ये एसेंस है या? ये एसेंस है। अच्छा ठीक है, वाटर नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल स्लाइटली सा बिकॉज बहुत इसकी स्मेल तेज़ होती है। हम सूरी के सॉसेस यूज़ करेंगे। हाँ जी, आज सूरी हमारे साथ है और आई एम श्योर आप लोगों के घर में भी अब कोई ना कोई सॉस तो सूरी की ज़रूर होगी। आज ये कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हम यूज़ कर रहे हैं सराचा, पाइनएप्पल। वन ऑफ द बेस्ट सूरी की ये सॉसेज है एंड मोस्ट जिसे हॉट सेलर सॉस है ये सूरी की। और सूरी के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि मोर देन 60 कंट्रीज़ में इसके प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं और सिर्फ पाकिस्तान में ही समझे 19 साल से सूरी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। मसाला के साथ भी काफ़ी सालों से एसोसिएटेड है, मुख्तलिफ शोज़ पर आपने देखा है सूरी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं और ये बड़ी हैंडी सी इसकी सॉसेज हैं। आप को अलग से कुछ सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चिकन बहुत कन्वीनियंट फिलेज कुछ भी बना लें, स्ट्रिप्स बना लें, आप डिप्स बना लें, कुछ भी कर लें आप सूरी की सॉसेज आप वेरी हेल्पफुल। अच्छा, हमने इसमें 2.5 टेबल स्पून डाले हैं पाइनएप्पल सराचा के। ठीक है, ये हमारा मैरिनेट तैयार हो गया है। अब अच्छे से आप उसको हाँ बिल्कुल मैरिनेट कर लोगी। अच्छा, हमने ऑयल डालना है थोड़ा सा। अच्छा, ऐसी मैरिनेशन। हाँ, बिकॉज हम फ्राई नहीं करेंगे, बेक करेंगे तो थोड़ा सा। ओके, ये सेसमी ऑयल है। ठीक है, इससे कुछ अलग थोड़ा फ्लेवर आएगा है। फ्लेवर अलग आएगा, ऑयल्स का टेम्परेचर अलग होता है, कुकिंग टेम्परेचर ऑयल्स का। कुछ हाई टेम्परेचर ऑयल्स होते हैं जो जल्दी मतलब गर्म हो जाते हैं, कुछ लो टेम्परेचर होता है। सही है। अच्छा, इसको ओवन में कितनी देर रखोगी? अराउंड 30 to 45 मिनट्स। सी, चिकन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ चिकन बहुत लीन होती हैं, कुछ अच्छा। थोड़ी फैटी चिकन होती है, तो वो डिपेंड्स के कितने टाइम में वो कुक हो जाती और है। इसको ट्रे में बिल्कुल ओपन हाँ। रखोगे या फॉइल से? नहीं, फॉइल से कवर करेंगे ताकि थोड़ा स्टीम प्रोड्यूस होगी तो वो अच्छे से गलेगी, जल्दी ड्राई नहीं होगी। खुला खुला कहते हैं एंड में कर देते हैं ना एकदम कलर के लिए, फॉइल के लिए, कलर के लिए। ठीक है जी, आप इसको अच्छे से मैरिनेट कीजिए। अगर हमारी ब्रेक है तो हमें बता दें, हम फिर ब्रेक से आकर हमारे पास कुछ जो है वो आप लोगों के लिए वाउचर्स हैं देने के लिए हमारे व्यूअर्स को। मेकअप सिटी दोबारा से आ गया है हमारे शो पर, उसके वाउचर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए या हमें कॉल कीजिए, शो का हिस्सा बनिए। मेकअप सिटी जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, डिफरेंट मॉल्स में, मुख्तलिफ जगहों पे है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेकअप सिटी जहाँ पर आपको ब्यूटी रिलेटेड, चाहे वो स्किन केयर हो, हेयर रिलेटेड हो या हेयर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, आप इस तरह की चीज़ें जो है, मेकअप हो, वो सब कुछ अंडर वन रूफ आपको मिल जाता है और बहुत अच्छी प्राइस में, वेरी रीजनेबल प्राइस में। तो हम आज अपने शो पर आपको उसके वाउचर्स भी दे रहे हैं मेकअप सिटी के। हाँ जी, और एक और अनाउंसमेंट, लाहौर चलोगी फातिमा हमारे साथ? हम तो जी 28 को जा रहे हैं क्योंकि 29th और 30th को है मसाला फैमिली फेस्टिवल लाहौर में। तो जितने लोगों ने आना है तैयारी पकड़ लीजिए, जो लोग आते हैं लाहौर के इर्द गिर्द शहरों से वो भी प्लान कर लीजिए कि जाना है, मिलना है मसाला के शेफ़ से। और इस बार तो नए हमारे टैलेंट हैं, नए शेफ़्स भी हैं, हमारे पुराने शेफ़्स भी हैं ऑफ कोर्स, शरीनापा, ये लोग, रिदा, हम लोग सब होंगे वहाँ पर इंजॉय करने के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो ज़रूर आइएगा 29th एंड 30th अक्टूबर।
एक ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक से आने के बाद फिर हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जी ब्रेक ले लीजिए और फिर वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी अगली रेसिपी क्या है। फातिमा बताएंगे इस ब्रेक में। वेलकम बैक टू लाइवली वीकेंड। और आज जो है वो फातिमा हमारे साथ हैं, फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड में आई हैं और टिक्का से हमने शुरुआत की है। ये मलाई, इसका नाम क्या है? नवाबी चिकन। नवाबी चिकन लेकिन टिक्का स्टाइल में हमने आपको बताया है। अच्छा, अब इसको जरा हम चेक करते हैं कि ये आपने अच्छे से मैरिनेट किया, कट लगाए थे और फॉइल वाला जो बेकिंग पैन होता है, हां ट्रे होती है, उसको फॉइल के ऊपर रखती है हमने। ठीक है, अब हम इसको कवर करेंगे फॉइल से। सही है। और फिर हम इसको बेक करेंगे approximately 15 minutes cover करके। ठीक है। एंड approximately another 15 minutes uncovered ताकि उसका थोड़ा कलर आ जाए। सही है। अच्छा, और जैसे जब अनकवर करेंगे तो उसके बाद में फिर हम इसकी साइड्स भी चेंज करेंगे ताकि दोनों साइड अच्छे से पक जाए। ठीक है जी, ये तो चला गया। अब आएंगे हम दूसरी रेसिपी पे, प्रॉन। ये अच्छा, वैसे फातिमा ये जो टिक्का वाली रेसिपी है ये कहाँ से आपने सीखी? कोई खास स्पेशल रेसिपी है या खुद ही बस? नहीं, खुद ही। खुद ही? हाँ, मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे यही होता है कि चलो कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ें मिक्स करके घर में ट्राई करते हैं, फिर सबसे फीडबैक लेती हूँ। तो अच्छा फीडबैक आया? हाँ, ये मैंने रात को ही बनाए थे। अच्छा, फैमिली ने, हाँ सब ने मुझे कहा कि चलो। वेरी, मैंने कहा कि अच्छा। अब क्या बना रहे हैं? हमने अब बनाने हैं प्रॉन्स, ग्रिल ग्रीन प्रॉन्स। ठीक है। हमने करने हैं प्रॉन्स को बटरफ्लाई, डी शेल हुए हुए हैं, डी वेन हुए हुए हैं। ठीक है। बटरफ्लाई करने के लिए हमने इसके टॉप से जहाँ से वेन हम वो करते हैं निकालते हैं, वहाँ एक स्लाइड सा कट लगाना है ताकि वो अच्छे से खुल जाए। या ठीक है, ये शेप आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इसकी टेल कट नहीं करनी? नहीं, टेल से अच्छा लुक आता है। ठीक है, ये हुए हुए हैं? हाँ, ये हुए हुए हैं, मैंने थोड़े से बचा दिए थे कि मैं दिखा दूँ। सही है। क्या है इसका? और इनको मैरिनेट आपने किया हुआ है? वॉश करके, स्ट्रेन करके हमने रखा है। ठीक है। कोई सिरका विरका लगाया हुआ कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी अभी लेमन जूस और ये चीज़ें डालेंगे तो वो कवर हो जाएगा। सही है। जिंजर गार्लिक, जिंजर गार्लिक हम लोग भी आपकी तरह बहुत ही खुश हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप लोग इसी तरह अच्छे अच्छे शो करते रहे। मुझे ना आपका सेट बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली मैंने आपकी तारीफ करनी थी। ये सेट बहुत ही अच्छा है, आपके सारे शोज बहुत अच्छे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आप एक अच्छी एक्सपर्ट बन चुकी हैं। जी जी, हाँ बिल्कुल। और जिस तरह मैंने तो बस आपकी तारीफ करी है, जिस तरह आप लवली है ना, इसी तरह आप शो भी लवली है। देख कर ना दिल को सुकून होता है, देख कर दिल को खुशी होती है। हाँ। और अच्छे अच्छे रेसिपी हम लोग ट्राई करते रहते हैं, बहुत ही वो। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह से खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए। और नाम आपने अच्छा सजेस्ट किया, लाइवली से लवली वीकेंड कर देंगे हम इसको। ठीक है, ठीक है तारा, आपका नाम हमने शामिल कर दिया। हम लोग जरूर ट्राई करेंगे। जरूर कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। मेकअप सिटी का जो वाउचर है उसके लिए हमने आपका नाम शामिल कर दिया है। इन दी एंड आपको पता चल जाएगा कि आप विनर है या नहीं है। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा, अब हमने ब्लेंड करना है, एक पेस्ट बनाना है, ग्रीन पेस्ट। ठीक है। कोरिएंडर का मैंने हाफ पंच डाल दिया है और ये मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं। ठीक है। 7 to 8 ग्रीन चिलीज। ठीक है। थोड़ा अच्छा स्पाइसी टेस्ट आता है इससे। सही है। थोड़ा सा हम पानी लेंगे। ये चटनी जैसे बनती है ना? हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, और ये जो प्रॉन आप बना रही है ये मुझे लग रहा है थोड़ा ड्राई ड्राई, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगा? नहीं नहीं, ग्रेवी नहीं होगी इसमें इतनी। ठीक है। और इसको खाएंगे हम किससे? ये ऐसे ही, ऐसे ही खाएंगे। हाँ, एपेटाइजर के तौर पर हम इसको खाते हैं। हाँ, प्रॉन तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, ज़्यादातर प्रॉन मसाला बना लिया रेड कलर का। वो
ओनली हरा धनिया और हरी मिर्चें गई हैं। ये हम इसमें जिंजर गार्लिक और इसके इसमें डाल देंगे। ठीक है, ऐसे भी जो चीज़ें ये ग्रीन पेस्ट हरे मसाले में बनती हैं बड़े मज़े की लगती हैं, खुशबू बहुत फ्रेग्रेंट। हाँ, फ्रेश। अच्छा, अब हम इसके अंदर वन स्पून हम लेवल्स डालेंगे ब्लैक पेपर का। ठीक है, सेम सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक है, नमक काली मिर्च। हाँ, नमक थोड़ा कम ही क्योंकि प्रॉन्स और सी फूड है, थोड़ा उसमें नमक। अच्छा, दिस इज वन इंग्रेडिएंट, वसाबी पेस्ट। अच्छा, ये हम वसाबी पाउडर। हाँ, पाउडर ये मिल मिल रहा है अब। हाँ, बहुत इजीली, काफी स्ट्रांग होता है ये। अच्छा, क्रश चिलीज ये हमारी ऑप्शनल है, रेसिपी में नहीं है, बट थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये सही है, पहले तो ये चीज़ें नहीं आती थी वसाबी पाउडर। एग्जैक्टली, अवेलेबल है तो अच्छा है। ये थाई टाइप का थोड़ा सा एक इसमें आ जाएगा। थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। इसमें भी हम मैरिनेट करेंगे क्या? बिल्कुल, मैरिनेट करके हार्डली 10 मिनट्स मैरिनेट करेंगे क्योंकि प्रॉन्स बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी आप सेसमी ऑयल यूज़ कर रहे हैं? सेसमी ऑयल। ठीक है, मैरिनेट करके हम इनको ग्रिल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हुमा। हेलो हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज किरण बहुत आपकी स्लो आ रही है। हाँ, आपकी भी अब सही हुई है। और जी जी हुमा, आप अच्छी होंगी, खुश होंगी? मैं तो बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत हैप्पी हैप्पी लकी लकी। और आप? और मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगता है आप लोग सिर्फ सैटरडे संडे ही खुश रहते हैं। आपकी तो गेस्ट जो आपका है, जो ड्रेस पहनी हुई है, वो तकरीबन ब्लैक अच्छा लग रहा है। चले मैं आपको फुल शॉट दिखाती हूँ ना ड्रेस का। अब मैं ये डिजाइनर के पहन रही हूँ, मुसाइक, कल भी मैंने उनका पहना था। इनफैक्ट मैं होल मंथ इन्हीं के कपड़े पहनूंगी, बहुत मजेदार कपड़े हैं, मतलब मजा आ रहा है पहन के। मैंने देखा किरण। हाँ, और दूसरे जो जो आपका सेट है बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा क्या है सेट? जी जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और जो गेस्ट आई है तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है, और जो भी नवाबी इन्होंने किचन जो इन्होंने देख के लिए रखी है तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, वो भी अच्छी, प्लस आप प्रॉन खाती हैं? एज अ गेस्ट भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, तो खुश रहती है आप? जी जी, बहुत खुशी। फैसला करके उठती है की बस आज मैंने खुश रहना है चाहे कुछ भी हो, ऐसा होता है या नहीं? बस आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर बाद में गपशप लगाएंगे। फिलहाल हम आपका नाम डाल देते हैं वाउचर के लिए मेकअप सिटी। ओके, थैंक यू हुमा। अच्छा, फातिमा ने कर दिया है ये अच्छे से मैरिनेट। बिल्कुल, हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे जब तक हम अपने क्यूकम्बर सैलेड पे आ जाते हैं। ठीक है जी, सैलेड की चीज़ें मैं मंगवा लेती हूँ। बिल्कुल, अगर ब्रेक लेनी है तो हम ब्रेक की तरफ बढ़ सकते हैं। और अभी आज हम अपने शो पर आपकी मुलाकात, जैसे कि मैंने मेंशन किया था, एक एंटरप्रेन्योर से भी करवाएंगे। आई मीन यंग एंटरप्रेन्योर कह लीजिए, जो लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं, ऑनलाइन शुरू करते हैं कुकिंग के अलावा भी। तो आज हम आपको कुछ ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाएंगे, और बड़ी इनकी मुनफरिद सी ज्वेलरी कहूँगी, क्योंकि ये सब कुछ खुद हैंडमेड बनाती हैं, अपने हाथों से बनाती हैं, पिरोती हैं, चिपकाती हैं। ज़्यादातर कुंदन बेस इनकी ज्वेलरी है, तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। ब्रेक है तो ब्रेक ले लें। ठीक है, ब्रेक ले लें। होस्टिंग का शौक है? बिल्कुल नहीं है, इतना शौक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा है। ब्रेक तक तो ले सकती होगी, अगली ब्रेक। बिल्कुल, अच्छा, प्रिपेयर कर लेना। ठीक है जी, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर सैलेड बनाना सिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आज जी जो फातिमा है वो तैयारी कर रही है अपनी प्रॉन्स ग्रिल करने की। प्रॉन, अच्छा, ये आप इसका ग्रेवी जो हमने मैरिनेशन थी वो नहीं डाल दी? हम बाद में इसको रिड्यूस करेंगे अलग से। बिल्कुल, प्रॉन्स हमारे ग्रिल हो जाएंगे। अभी से मैं लिक्विड के साथ डालूंगी तो उस पर ग्रिल मार्क्स नहीं आएंगे। सही है, तो जेंटल नहीं लगेगा। एग्जैक्टली,
ठीक है, अलग अलग से, और एंड में आपने मेरा ख्याल से कुछ वेजिटेबल्स काट करके डाली हुई है ये। हाँ, ये एंड में हम डालेंगे जब हमारे प्रॉन्स कुक हो जाएंगे, और ग्रेवी ये, हाँ अच्छा, सिर्फ हरी कोरिएंडर ये मैंने चॉप करके रखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, और ग्रीन अनियन हम डालेंगे ऊपर से, ठीक है। अच्छा, वो एंड में लेमन जूस, वसाबी पाउडर की ना वो उसी की आ रही है ना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सैलेड का सामान आपके पास आ गया, बिल्कुल। मैं ये डाल के फिर क्यूकम्बर्स कट करूँगी, उसका एक स्पेसिफिक तरीका है वो हम, अच्छा वो भी हम आएंगे सीख लेंगे। जब तक आप ये कर रही हैं, इनको ग्रिल कर रही हैं, चलिए आपको अब ज़रा सी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाते हैं। रबिया हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम सलाम खेरान, कैसी हैं आप? मज़ा आ गया, सुबह सुबह ना दिल चाह रहा है शॉपिंग कर लूँ, आगाज़ ही शॉपिंग से हो जाए दिन का तो बस फिर गया। बिल्कुल। तो रबिया आप पहले तो मुझे बताएं अपने पेज पे ये कब से शुरू किया है आपने ऑनलाइन बिजनेस? किरण ये मैंने एक्चुअली पिछले एक साल से शुरू किया है। अच्छा। जो है ना ये आप कह सकते हैं मेरी कोविड स्किल्स हैं। अच्छा, एग्जैक्टली, क्योंकि आपने खुद एक्सप्लोर की। जो मैंने खुद एक्सप्लोर की, क्योंकि कोविड का पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड था, हमारे पास टाइम बहुत होता था उस जमाने में, तो छोटी मोटी स्किल्स जैसे एम्ब्रॉयडरी और डिफरेंट टेक्निक्स मुझे पहले से भी आती थी, देन आई लर्न अ फ्यू मोर टेक्निक्स, उसको सीख के फिर डिफरेंट चीज़ों को जमा एक साथ मिला के मैंने जो है ना उसको बनाना शुरू किया। वैसे ये आपका शौक है, आपने पढ़ा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंसी? एग्जैक्टली, ये मेरा शौक है। मैं वैसे जो है आई एम एन ACCA बाय क्वालिफिकेशन, और मेरी वो एक जॉब, एक वो प्रोफेशनल करियर अलग है, वो चल रहा है, वो है, वो चल रहा है। अच्छा। और साथ साथ ये शौक है, तो बस शौक जो है ना बहुत कुछ करवा देता है आपसे। तो अच्छा, सबसे पहले अपना पेज जो आप फेसबुक पर हैं, ऑनलाइन है, वो बता दें ताकि अगर लोगों ने जाना है वहाँ चेक करना है वो अभी से चेक करना शुरू। मेरा पेज जो है रबी हैंडमेड एक्सेसरीज के नाम से है, रबी, ठीक है, रबी हैंडमेड एक्सेसरीज के नाम से है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो जो लोग जहाँ से कंफर्टेबल है वो वहाँ उसको जो है ना ये कहते हैं चेकआउट कर। अच्छा, और रबिया की जो ये खास बात है ज्वेलरी की, ये एक पीस मुझे जरा निकाल कर दिखाइएगा, ये अगर आप इसको इस तरह से देखें ना, ये बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का सा लाइट वेट सा ये टीका है, ये टीका ये है, इयररिंग है, झुमका है, सहारों के साथ है, और ये कुंदन वर्क है। अब इसके पीछे जो है ना ये आपने चिपकाया हुआ है, ये क्या exactly. ये बेसिकली इसका एक सिंथेटिक बेस बनता है। अच्छा। जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, दिस इज नॉट मेटल बेस्ड ज्वेलरी, इसीलिए वो लाइट वेट, इसीलिए वो लाइट वेट है, तो आपके कान लटकेंगे नहीं बिल्कुल ये पहन के। और ये हर चीज, ये कुंदन सारा, ये पिरोना, ये सब कुछ रबिया ने अपने हाथ से किया? जी बिल्कुल। रबिया वैसे एक सेट या एक ये जैसे झुमका ये कितनी देर में बन जाता है? किरण कभी कभी जो है ना देखें, जब हम किसी डिज़ाइन को पहली दफ़ा बना रहे होते हैं ना, डेफिनेटली वो टाइम लेता है, क्योंकि वो मेरे माइंड में एक चीज़ बनी हुई होती है, उसको जब मैं बनाने जाती हूँ वो कभी सही बनता है नहीं बनता, समटाइम इट टेक्स वन डे, टू डे, थ्री डेज भी लग जाते हैं एक एग्जैक्टली एक सेट को परफेक्ट बनाने के लिए। जब हम एक दफ़ा एक बना लेते हैं तो फिर उतना टाइम नहीं। पूरा सेट जैसे कि ये है पूरा, इसमें गले का है और ये एग्जैक्टली ये इसकी इयररिंग्स हैं, ये गले का, इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी लाइक बहुत सारे छोटे छोटे बीट्स इन्वॉल्व हैं, इनको इंडिविजुअली आपको रैप करके फिर साथ में जो है ना ये कहते हैं उसका बंच बनाना होता है। आप कस्टमर भी बनाती हो? अगर कोई क्लाइंट आपको बोले कि मुझे इस कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए तो ये आप बना देंगी? हम वो भी कर देंगे, अगर उनको हमारे डिजाइन में से कोई डिज़ाइन पसंद है जिसका वो सिर्फ कलर चेंज कराना चाहते हैं वो भी हम कर देंगे। उनको हमारे डिज़ाइन के अलावा अगर कुछ पसंद है, वो अपने पास से कोई डिज़ाइन देके बनवाना चाहते हैं, हम वो भी बना देंगे। कितना खूबसूरत कलर है, गोल्ड के साथ है, बहुत प्यारा लग रहा है। दीज आर मेड विद सेमी प्रेशियस स्टोन्स। अच्छा, ये शेल पर्ल्स कहलाते हैं। हाँ, अच्छा, उसके साथ इसको बनाया। अब मैं ना जरा काम की बात ये पूछ लेती हूँ, प्राइस रेंज क्या है, क्योंकि लोगों को होगा है तो बड़ा खूबसूरत लेकिन अब प्राइस ही पता चले। अब जैसे फॉर इंस्टेंस ये वाले इयररिंग्स हैं या इस तरह के सेमी प्रेशियस हैं, ये क्या रेंज में इसकी आती है? इस तरह के जो सेमी प्रेशियस इयररिंग्स होते हैं ना किरण, हमारी रेंजेस ना प्राइसेस मार्केट से बहुत रीजनेबल है। लाइक दीज इस तरह के इयररिंग्स ये स्टार्ट होते हैं 500-550 से। अच्छा। और मैक्सिमम जो सबसे एक्सपेंसिव भी जो जाता है वो 1500 तक जाता है। नहीं करो, बहुत अफोर्डेबल है, मतलब तुम्हें कई सेट ले सकते हो। इट्स वेरी रीजनेबल, इट्स वेरी 5000 तक तो होगा इसका। इट्स वेरी रीजनेबल, और इनफैक्ट यही इयररिंग्स अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो ये शायद आपको 2-2500 रुपए के मिलेंगे, जबकि हमारे पास 1200 और 1500 की रेंज। रबिया अपनी मेहनत के बहुत कम पैसे लगा रही हो, जरा पैसे बढ़ा सकती है। अच्छा, और ये जो है ये इनका सिल्क थ्रेड है, सिल्क थ्रेड है, ये सिल्क थ्रेड पे बेस होते हैं। इसमें और भी कलर्स है ना, वो भी मैं अभी ब्रेक के बाद आपको दोबारा से दूसरी कलेक्शन की दिखाऊंगी। और ये भी सिल्क थ्रेड है, ये भी सिल्क थ्रेड है। अच्छा, अब इनकी क्या प्राइस है? जैसे ये सिल्क थ्रेड वाले हैं, दीज वन स्टार्ट्स फ्रॉम 550
550 और वो फिर धीरे धीरे वो 800-850 तक जाते हैं। बहुत खूबसूरत है। इसके साथ साथ ट्रेड में इस तरह के फिर हम बैंगल्स भी बनाते हैं, अगर किसी को पेयर करके वाला भी दिखाना, बड़ा प्यारा लगे थे। ये पूरा सेट है, जैसे ये मुझे दिखाना, ये ग्रीन एग्जैक्टली और ये कुंदन लगे हुए हैं, कुंदन लगे हुए, वेरी लाइट वेट, ये थ्रेड का काम है। एग्जैक्टली, ये थ्रेड है, ये गोटा है और इस पे कुंदन वर्क हुआ है। ठीक है, और ये जैसे सेट है ये कितने का है? ये सेट 750 का है। अपना फातिमा कुछ पसंद आ रहा है आज? मैंने तो पहले ही इनसे बातें कर ली है, हस्बैंड आए हुए हैं, शॉपिंग करनी है, कर लो। That's part, exactly. और नहीं तो क्या, बहुत प्यारा यार, and very reasonable. इस तरह के डिफरेंट डिजाइंस भी इसमें अवेलेबल होते हैं। इसमें भी अगर आप कहें कि हमारे पास कुछ जनरल कलर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कलर आपको देना है तो ऑर्डर करके भी बनवा सकते हैं। वेरी नाइस यार, मुझे ये अब बहुत जबरदस्त ये कलेक्शन लगी। अच्छा, उस तरफ मैं देख रही हूँ थोड़े से स्टोन वाले भी हैं आपके, ये वाले ये ब्लूज क्या है, ये नग वाले, ये तो क्या है, ये क्रिस्टल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड गजरा बैंगल्स। गजरा बैंगल्स, ये क्रिस्टल्स को जो है ना गजरे की तरह से, मतलब उसका लुक देने के लिए बहुत करीब करीब उनको लगाया जाता है और ये गजरा बैंगल्स कहलाती हैं। अच्छा, और ये मेटल है? ये मेटल बेस पे बनी हुई है, मेटल बेस पे बनी हुई है, प्लस ये क्रिस्टल्स लगी हुई है। ये भी वही रेंज में आ रहे हैं? इसकी रेंज भी अराउंड अंडर थाउजेंड होती है, एंड वी हैव मेनी कलर्स अवेलेबल इन दिस। और इस पे भी सेम यही है कि अगर कोई अपनी मर्जी से भी बनवाना चाहता है, अच्छा, दे कैन ऑलवेज ऑर्डर, दे कैन ऑलवेज ऑर्डर एंड सेव। और ये भी सारे सेमी स्टोन वाले हैं, ये ब्लू है, ये माथा पट्टी है, ये पूरा कुंदन का है, ये पूरा कुंदन का है। अब ये सारे लाइक ये फिरोजा स्टोन है इसमें बीच में, सेमी प्रीशियस। आपको खुद ज्वेलरी का शौक है? मुझे बहुत शौक रबिया, मुझे बहुत शौक है। नॉर्मल डेज में मैं नहीं पहनती, आई एम अ वेरी मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी पर्सन, लेकिन मैं मुझे शौक बहुत है इवेंट्स पे, डिफरेंट जगहों पे अच्छी ज्वेलरी पहनने का मुझे। वेरी नाइस, तो भाई ऑर्डर देना है एक दफा फिर दोबारा से बता दो आपका पेज कौन सा है फेसबुक पे, इंस्टा पे? इट्स रबी हैंडमेड एक्सेसरीज। ठीक है, रबी हैंडमेड एक्सेसरीज, RABIRABEE, दैट्स रबी। और कोई डिस्काउंट विस्काउंट तो खैर मैं क्या पूछूं, ऑलरेडी बेचारी ने इतने कम प्राइसेस में आपने रखा हुआ है। Exactly. लेकिन बहुत अच्छी बात है, देखिए इस प्लेटफॉर्म से, हमारे लाइवली वीकेंड से अब आपको पता चला कि अगर ज्वेलरी लेनी है, बाज़ार नहीं जाना है, इधर उधर नहीं घूमना फिरना है, ख्वार नहीं होना है, तो ऑनलाइन आप रबी के पेज पर जाकर आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन, और इसके अलावा और बहुत कुछ आपके पेज पर होगा, है ना? जो लोग ये कुछ सैंपल्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ डिजाइंस हमारे पेज पे, आपके कुछ और सेट्स भी पड़े हुए। अभी जब ब्रेक आएगी ना तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और दूसरी कलेक्शन भी दिखा देंगे। श्योर, ठीक है जी। अच्छा, जब तक मैं आ जाऊँ, प्रॉन जो है वो हमारी गेस्ट को बहुत पसंद है, वो एक्साइटेड हो रही थी, आज ट्राई करके बताएंगे। हम आपको ज़रूर ट्राई करवाएंगे। हाँ जी, आप बताइए। बस हमारे प्रॉन्स ऑलमोस्ट हो गए, थोड़ा सा बैच बच गया था, मैंने कहा इन्हें भी कर लूँ, फिर आप उसकी जो ग्रेवी है उसको रिड्यूस करूँगी। ठीक है। अच्छा, अगर वो क्यूकम्बर काटना है वो दिखा दो तो फिर हम ब्रेक ले लेंगे। आपको सिर्फ ये चेक कर लें कि किस तरह से ये सैलेड की कटिंग होगी। हमें दो स्कूअर्स चाहिए, या तो हम चॉपस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ खास। अच्छा, हमने डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल फुल नहीं करना, फुल नहीं करना वरना वो लुक नहीं आएगी। अच्छा, ऐसे कट करते रहना पूरे खीरे को। हाँ, होगा क्या, और इसकी ड्रेसिंग बाद में हम आपसे सीखते हैं। इसको कुछ आप ऐसे ओपन करेंगे? हाँ, ये स्पाइरल्स बनेंगे इसके। ओह, नाउ आई नो, वो जो वो एक स्पाइरल पोटैटो होता है उस तरह की शक्ल आएगी। उस तरह की शक्ल आएगी। अब हम इसे टर्न कर देंगे एंड अब हम इसे स्ट्रेट, एक साइड डायगोनल कट की और एक स्ट्रेट। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो स्पाइरल पोटैटो बनाते हैं वो भी इसी तरह कट करते हैं? हाँ, उसकी मशीन होती है, बट ये थोड़ा मैनुअल तरीका है कि मैं सिर्फ वो ट्विस्ट देखना चाह रही हूँ और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। हमारे अब देख लें, ओके, और इस पे स्क्वायर करके वो करोगी? नहीं, इसको हम ऐसे ही, इसके थोड़े बाइक की क्या जरूरत थी, नीचे तक
जस्ट टू बी सेफ कि वो नीचे तक कट ना हो जाए. ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कहा पूछ पता तो करूँ. अच्छा जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, स्टे विद अस. खुशबू तो बहुत अच्छी आई है लेकिन अभी तक कुछ हम टेस्ट नहीं कर पाए. टिक्का जो है वो अच्छे से ग्रिल हो रहा है अवन के अंदर, उसका हमने कवर हटा दिया है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए. अच्छा जी खीरे भी कट कर लिए हैं. बिल्कुल. अब पता चला ना ये स्क्यूअर्स क्यों साइड पे रखे थे, क्योंकि कभी कभार नाइफ स्लिप हो जाता है और तो वो पूरी नीचे तक नाइफ ना जाए, आप सुकून से कट कर सके. अच्छा अब इसकी ड्रेसिंग सैलेड की. बिल्कुल. सबसे पहले हम विनेगर डालेंगे. वन सिंपल वाइट विनेगर है, सिंथेटिक विनेगर. ठीक है. टू टेबल स्पून ये हमारे पास सेसमी ऑयल है. अच्छा इसमें भी सैलेड में भी. हाँ ये वन एंड हाफ. रेड चिली पाउडर है, वैसे इसमें कोरियन रेड चिली पाउडर डलता है. अच्छा मगर वो यहाँ मिलता नहीं है. ठीक है तो हम थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे अपना रेड चिली पाउडर. वन एंड कोरियन रेड चिली पाउडर में क्या ज़्यादा स्पाइसी होता है या लेस? वो कोरियन चिली से बनता है, उसको कहते हैं गोजू गारू. अच्छा और ये हम सेसमी सीड्स डाल देंगे. वन टू टेबल स्पून. सही है. सोया सॉस डालेंगे हम इसमें. ठीक है जी, सूरी की हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोया सॉस. सोया सॉस में भी आपके पास जो है वो काफ़ी रेंज मिलती है, सूरी की लाइट सोया सॉस एंड डार्क सोया सॉस, स्वीट सोया सॉस. अच्छा ये हम डालेंगे स्वीट एंड सॉर सॉस. ठीक है थोड़ा इससे बैलेंस एसिड को बैलेंस करने के लिए. ठीक है. वन टेबल स्पून वुड बी इनफ. अच्छा ये हमारा बन गया है ड्रेसिंग. ठीक है तो अब इसमें आप ये खीरे ये हम क्यूकम्बर टॉस करेंगे इसके अंदर. अच्छा और फिर अलग से हम उसको सेट करेंगे. तो अगर आपने खीरे लेना है आप ये पूरा पूरा खीरे का एक उठाएंगे और फिर इन्जॉय करेंगे. खाना मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं कांटे से कट करना. हम कांटे से कट कर लें वरना यूजुअली तो चॉपस्टिक्स होती हैं. हाँ अच्छा प्रॉन को ग्रिल करके हमने निकाल लिया था, उसकी सॉस अगर आपने रिड्यूस करनी है? अभी हम रिड्यूस करेंगे सॉस को. पहले हम क्यूकम्बर्स डाल दें, थोड़ा मैरिनेट हो जाएंगे क्यूकम्बर्स. सही है तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा. आप टॉस करें फादर. बिल्कुल. मैं लोगों को बता दूं भाई आज हम आपको मेकअप सिटी के जो हैं वो वाउचर्स भी दे रहे हैं, तो आप लोग हमारे शो का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए. बहुत ही यूज़फुल ये वाउचर्स हैं, आप यकीन जाने मेकअप सिटी में आपके मतलब की सारी चीज़ें मिलती हैं, हेयर रिलेटेड, सारा ब्यूटी रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, क्रीम्स, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपको हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर और टोंग्स, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी. तो वाउचर है अवेल कीजिएगा. आप जिस शहर में भी होंगे आपको मेकअप सिटी का आउटलेट वहाँ पे मिल जाएगा. अच्छा जी कुछ और ज्वेलरी जो है वो हमने रबिया की डिस्प्ले की है, जब वो आप लेकर आई हैं मैंने कहा पूरा ही कलेक्शन दिखाते हैं ना ज़रा सा. तो यहाँ पर ये पूरे पूरे सेट्स हैं. ये कंप्लीट सेट्स हैं, लाइक ये कंप्लीट सेट्स हैं. एग्जैक्टली ये जिस तरह से ये ब्राइडल सेट है. ठीक है ये है जो है ना ये कहते हैं काफ़ी हैवी बनता है, इसके साथ बिंदी हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप चाहें तो झूमर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा इनकी क्या रेंज है, ये जो आपके कंप्लीट सेट्स होते हैं जो ब्राइडल सेट्स हैं इनकी क्या रेंज से स्टार्ट हो रहा है? जो कंप्लीट ब्राइडल सेट्स जो होते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक जो है 5000 से स्टार्ट होते हैं एंड मैक्सिमम दे गोज टू 10000 टू 12000 डिपेंडिंग कि आपने कितना हैवी बनाना है, आपने कितने कॉम्पोनेंट्स उसमें ऐड कराना है. बस लोग कहते हैं हमें बिंदी नहीं चाहिए, हमें पूरी माथा पट्टी चाहिए, तो उसकी फिर एक प्राइस रेंज डिफरेंट हो जाती है. फिर कुछ लोगों ने चूड़ियाँ ऐड करवानी होती हैं, सो वो दैट डिपेंड्स. और इतनी अच्छी बात है ना, आप जैसे गले में और कान में आपने रियल पहन लिया, अब माथा पट्टी वगैरह तो इतना यूज नहीं होता. एग्जैक्टली वो आपने फेक उससे कॉम्बिनेशन करके बनवा लिया. लोग बिल्कुल बहुत करते हैं, स्पेशली आजकल जैसे बिग टीका इन है, माथा पट्टी इन है, तो लोग करवाते हैं रियल एंड फेक. एग्जैक्टली वो अपने रियल सेट्स की हमें वो पिक्चर्स भेजते हैं कि ये हमारा सेट है, प्लीज आप इससे मैच करता हुआ कुछ बना दें. And we do that. Very good. और ये वाला जैसे सेट है pearls and ये semi precious. ये semi precious stones है, semi precious froza के साथ है. Plus इसमें हमने एक charm, calligraphy charm add किया है जिसपे अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है ना. बहुत खूबसूरत है और colors वालर्स भी सारा कुछ. Thank you. And मतलब these are the kind of colors कि आप किसी भी color पे और अपने किसी भी dress पे आप पहन सकते हैं, वो अच्छा लगेगा. आपका ज़्यादातर time रबिया ये चीज़ें पिरोने चिपकाने ज्वेलरी बनाने में बिल्कुल इसमें गुजर जाता है. अच्छा कोई डिज़ाइनर ज्वेलरी को भी आप कॉपी
कर लेंगे अगर हम आपको बोलें कि जी थोड़ा सा ये कलर्स डाल दें और इस तरह का डिज़ाइन बना दें? हम कोशिश कर लेते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो बेसिकली हमारी ज्वेलरी प्योरली कुंदन बेस्ड होती है, अगर आप कुंदन बेस्ड अगर ज्वेलरी को आप ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं तो वो काफ़ी हद तक एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं हो सकता, बट 80-90% क्लोज इनफ चीज़ें वो बन जाते हैं, जैसे कुछ चोकर्स वगैरह होते हैं। एग्जैक्टली इस तरह की ज्वेलरी में नहीं आप डील करती हो? ये दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ये सिल्वर, ये अफगानी, ये अफगानी बेस्ड ज्वेलरी है, ये एक अलग दुनिया है, ये हमारी दुनिया से ना थोड़ा सा इस डिफरेंट है। अगर कोई है इंटरेस्टेड जो बिजनेस कर रहा है वो आए हमारे शो पर, मैं ही आपकी सबसे बड़ी बायर बन जाऊंगी। अच्छा जी रबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपके ये सारी चीजें देखकर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं रबिया के पेज पर जाकर, जो कुछ भी है कस्टमाइज भी ज्वेलरी ये बनाती है। थैंक यू वंस अगेन। अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम कुकिंग का जो लास्ट मरहला है वो हम आपको दिखाएंगे, विनर के नाम अनाउंस करेंगे और आपसे गुड बाय लेंगे। अभी तो एक ब्रेक लेते हैं। आज का शो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये नए लोग हमारे शो की नई फील अच्छी लग रही होगी। अच्छा जी, फातिमा जो है वो एंड की तैयारी कर चुकी हैं और ये प्रॉन जो हैं, मैंने इसका बाय द वे मसाला चखा है। अच्छा, वसाबी की खुशबू जितनी स्ट्रॉन्ग आ रही थी ना, फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि पता नहीं कुछ और खा रहे हैं, और बहुत स्पाइसी है, मज़ेदार जिसे कहते हैं ना। ये उनके लिए अच्छा है जिनको वसाबी का फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं सूट करता, उनके लिए भी दे कैन हैव इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओवरऑल जो फ्लेवर आ रहा है ना वो बहुत मज़े का आ रहा है। अच्छा, सॉस आपने रिड्यूस कर दी थी सिर्फ उसमें मैंने ग्रीन अनियन का जो वाइट पार्ट होता है वो मैंने डाल के एक दफ़ा हल्का सा टॉस कर दिया था, वो हमने उसके ऊपर डाला है, और फ्रेश ग्रीन जो उसके पार्ट होता है उसको हमने कट करके ऐसे ही विदाउट कुकिंग डाल दिया है। सही है। और यहाँ पर ये टिक्का भी हमने निकाल दिया। बिल्कुल, हमारी नवाबी चिकन जो है वो हो गई है। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था तो हमने जल्दी निकाल दिया, वरना आप इसको और ये पकेगा ना तो इसकी सॉस और गाढ़ी हो जाएगी टिक्के की। अच्छा, और सैलेड जो क्यूकम्बर थे आपके जी, मैं ज़रा ट्राई तो करूँ, प्याज व्याज तो है नहीं, मैं वैसे भी क्यूकम्बर बहुत शौक से खाती हूँ, तो उसकी ड्रेसिंग भी ना बहुत डिफरेंट फ्लेवर दे रही है। एक तो हम बड़ी एक विनेगर या इटालियन जो ड्रेसिंग होती है वैसी हमेशा बनाते, वैसी नहीं है, थोड़ा सा मुख्तलिफ फ्लेवर आया है। आपने उसमें वो सूरी की भी सॉसेस जो है इनकॉर्पोरेट किया है ना, तो बिल्कुल मज़ेदार, बहुत डिफरेंट सी सारी चीज़ें थी। नाइस फातिमा, मज़ा आया, हाँ अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा, हम ये इसकी थोड़ी सी ड्रिपिंग है ना वो ऊपर से डाल देंगे, हम ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, ये मैं रखूँ टेबल पे? बिल्कुल बिल्कुल रख दूँ। चलें जी, शो भी हमारा एंड है, चीज़ें यहाँ पर सेट कर देती हूँ मैं। सैलेड के लिए क्या है? अब आप सैलेड की ज़रा ड्रेसिंग कर दो, मैं ये कर देती हूँ। प्लेटिंग करेंगे वो कर दो, क्योंकि शो से साफ कर दो मैं इससे ज़रा। थैंक यू जी फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, मुझे सब चीज़ें बहुत मज़ेदार थी, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते आपसे, नए लोग, नए टैलेंट, नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स से हम आपकी भी मुलाकात करवाएंगे। तो देखते रहिएगा लाइवली वीकेंड्स नेक्स्ट वीक, स्टे ट्यून्ड। We'll be right back.